नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीजी पोर्टल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं वैसा ही आपको दिखाई देगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में ही देखिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें सीजी स्कूल पोर्टल पर जाना है। दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। चूँकि हम जानते हैं कि जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी तब तक ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीजी स्कूल पोर्टल। तो हमें बार बार क्रोम ब्राउजर में जाकर इसको ओपन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा है, इस थ्री डॉट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एड टू होम स्क्रीन, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सीजी स्कूल लिखा है, इसको नीचे में देखो एड लिखा है, इसको हम क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से ये हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सीजी स्कूल डॉट इन लिखा है, यही अब हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहता है, जिससे मुझे बार बार क्रोम ब्राउजर ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं यहीं से इस साइट को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्ट इस साइट पर क्या करता है, ये ले आता है। एक और ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस साइट पर काम करें तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर थ्री डॉट को टच कीजिए और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ये देखिए यहां पर इसमें राइट का निशान लगा रहना चाहिए डेस्कटॉप पर, तो आपका मोबाइल बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आइए अब हम काम की बातें करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमें एक पीएलसी का निर्माण करना है। एक नया नोटिफिकेशन आया है सीजी स्कूल पोर्टल पर, ठीक है। तो जैसे आप सीजी स्कूल पोर्टल के ये जो तीन लाइन दिख रहा है इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए तो हमें यहां पर नीचे में देखिए, यहां पर देखिए पीएलसी बनाए, तो हम पीएलसी बनाए को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, मतलब हम यहाँ पर एक पीएलसी का निर्माण करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सभी प्रकार के कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को हम पीएलसी के रूप में चयन करेंगे। ये प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल सभी के लिए अनिवार्य है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे आप पीएलसी बना सकते हैं, इसमें पीएलसी के बहुत सारे प्रकार दिए हुए हैं। तो आइए इसको हम बहुत ही सावधानी से देखते हैं। ये देखिए पीएलसी के प्रकार चुने, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं विकास खंड स्तर पर नवगठित अधिकारी पीएलसी, मतलब इसमें अधिकारियों का पीएलसी ग्रुप होगा। नीचे संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित पीएलसी, इसमें हम संकुल स्तर का पीएलसी बनाएंगे, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, नीचे में देखिए यदि कोई हाई स्कूल के शिक्षक पीएलसी बनाना चाहते हैं, उसमें अपने संकुल के या विकासखंड के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को रखना चाहते हैं, तो इस पीएलसी का निर्माण कर सकता है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के लिए। लेकिन यदि कोई नवाचारी शिक्षक है, बहुत सारे नवाचारी शिक्षकों का एक समूह है, वो भी यदि पीएलसी बनाना चाहे तो वो यहाँ पर पीएलसी बना सकता है सीजी स्कूल पोर्टल में। इसके अलावा अन्य क्षेत्र के पीएलसी भी बनाए जा सकते हैं, नीचे में आप देख सकते हैं, उसके आधार पर आप पीएलसी का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित पीएलसी का चुनाव करते हैं। तो ये देखिए हमने इसका चयन कर लिया। अब यहाँ पर हमें जिला का चयन करना है, तो हमें इसको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए चूंकि हम रायपुर जिले से, तो हम रायपुर जिला को क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए पीएलसी का नाम चुने, चूंकि हमें नए पीएलसी बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नया पीएलसी बनाया है ना, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप पीएलसी का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखिए, ये तो हमने संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित पीएलसी का चयन कर लिया है, यहाँ पर हमें जिला का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रायपुर, नीचे हमें ब्लॉक चयन करना है, तो ब्लॉक के लिए हम करेंगे अभनपुर, उसके बाद संकुल का चयन करेंगे, तो यहाँ पर हमें संकुल चुनना है, तो हम चुन लेंगे संकुल खोरपा, उसके बाद पीएलसी सीआरसी खोरपा अभनपुर रायपुर, अपने आप ये लिखा गया, ठीक है। इसके बाद सदस्य का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर अध्यक्ष लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अधिकारी का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बी पी भार्गव का नाम लिख देता हूँ, हो गया। अब यहां पर हमें उसका नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, तो यहां पर हम मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहां पर हम उसका मोबाइल नंबर यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिए। अब यहां पर पता लिखा है, तो हम उसके स्कूल का नाम लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं एमएस खोरपा,
उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे देखिए, हम नीचे पर अपने संकुल के किसी भी शिक्षक को जोड़ना चाहते हैं उस पीएलसी में, तो उसका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट में जाकर सर्च करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखकर जैसे ही हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो उस शिक्षक की पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं उस सर का नाम पूरा यहाँ पर क्या हो गया है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़े पर क्लिक करेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर समुदाय बनाएं, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब इसी प्रकार हम इस पीएलसी समूह में और बहुत सारे सदस्यों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए पीएलसी संपादित करें। अब हमें यहाँ पर पीएलसी के प्रकार को चुनना है संकुल स्तर पर, उसके बाद जिला का चयन करेंगे, रायपुर। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीएलसी का चयन करेंगे। तो हमने जो पीएलसी बनाया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीएलसी सीआरसी खोरपा भनपुर, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पीएलसी में क्या कर सकते हैं, हम नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं। फिर पीएलसी संपादित करने में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जिन शिक्षकों को इस पीएलसी ग्रुप में आपको जोड़ना है, तो दोस्तों यहां पर हमें उन शिक्षकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिनको हम पीएलसी में रखना चाहते हैं। तो आइए यहां पर मैं कुछ मोबाइल नंबर लिखता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको यहां पर शिक्षकों का वही मोबाइल नंबर लिखना है जो सीजी स्कूल पोर्टल में रजिस्टर्ड है, तभी उसका नाम पीएलसी ग्रुप में जुड़ पाएगा। और यहां पर खोजे पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही खोजे पर हम क्लिक करते हैं तो उस शिक्षक का नाम यहां पर आ जाता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहां पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार जिसका मोबाइल नंबर लिखकर हमने यहां पर सर्च किया और यहां पर खोजे पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही खोजे पर हम क्लिक करते हैं तो उस शिक्षक का नाम यहां पर आ जाता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहां पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार जिसका मोबाइल नंबर लिखकर हमने यहां पर सर्च किया वो शिक्षक यहां पर हमारे पीएलसी मेंबर में जुड़ जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम जितने शिक्षकों का नाम जोड़ना चाहते हैं उसी प्रकार हम इस प्रकार संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित पीएलसी, आप जिस पीएलसी को बनाना चाहते हैं उस पीएलसी का आप चयन करेंगे, उसके बाद जिला का चयन करेंगे, उसके बाद आपने जो पीएलसी बनाया उसका चयन करेंगे, फिर नीचे में पीएलसी संपादित करें को क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जिस पीएलसी को हमने अभी बनाया है वो पीएलसी यहां पर खुल जाता है, और यहां पर हमें केवल उन शिक्षकों का मोबाइल नंबर लिखना है और क्या करना है यहां पर, और खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जोड़े पर क्लिक करते हैं तो यह हमारे ग्रुप में सम्मिलित हो जाता है। इसी प्रकार हम अन्य शिक्षकों का नाम जोड़ते जाएंगे, ये देखिए, और यहां पर खोजे को क्लिक करते जाएंगे। तो ये हमारे संकुल के ही शिक्षक हैं जिनको हम पीएलसी में ऐड कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सभी शिक्षकों का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जिनको हम जिस पीएलसी ग्रुप में रखना चाहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में बताया है कि मैं किन किन शिक्षकों का नाम यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पीएलसी ग्रुप बन गया और बहुत ही आसानी से हमने इस प्रकार पीएलसी ग्रुप बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप भी बहुत ही आसानी से पीएलसी ग्रुप बना पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षक इसी प्रकार पीएलसी बहुत ही आसानी से बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।